बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस में कमेंट करते रहते हैं और हमारे पास काफ़ी सारे फ़ोन भी आते रहते हैं कि मिनिमम क्या प्राइस रेंज है जिसमें हमें नेचुरल लुक मिल सकता है। देखिए, हर एक शॉप के अलग अलग प्राइजेज होते हैं। किसी के यहाँ पे 10,000 से शुरू है, किसी के यहाँ पे 5,000 से शुरू है, या इवन किसी के यहाँ पे 20,000 से भी शुरू है। सो क्या एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए जिसमें हमें नेचुरल लुक मिल सकता है? तो देखिए, हमारे पास पैचेज जो हैं वो 5,000 से शुरू हैं, 25,000 तक जाते हैं। अगर मैं बात करूँ नेचुरल लुक में, तो क्या हमें 10-12,000 की रेंज में नेचुरल लुक मिल सकता है? बिल्कुल, हमें आराम से 10-12,000 की रेंज में नेचुरल लुक मिल सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 10,000 में हमें नेचुरल लुक मिल सकता है, तो क्यों हम 15,000 या 20,000 वाला पैच में जाएं जबकि हमें 10,000 में नेचुरल लुक मिल सकता है? तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, एक हेयर का एक पैच होता है जिसमें मैं बात करूं, जो हमारे फ्री स्टाइल पैचेज आते हैं जिसके अंदर आप स्टाइल वगैरह, लुक वगैरह बिल्कुल चेंज कर सकते हो, वो हमारे 10,000 के आसपास हमारे स्टार्टिंग हो जाते हैं, जिसमें आप अपनी मन मर्जी के स्टाइलिंग ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, कोई भी पैच जो फ्री स्टाइल है उसके अंदर हमारे मन मर्जी का लुक हमें मिल जाता है, बट लोग महंगे पैचेज में इसलिए जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम क्वालिटी ऑफ हेयर पैच इंप्रूव करते रहते हैं, हमारे बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। सो पॉइंट क्या है कि पैच में लुक आपको मिल सकता है, 10,000 के पैच के अंदर भी आपको नेचुरल लुक मिल सकता है, 20,000 के पैच के अंदर भी नेचुरल लुक मिल सकता है, बट 10,000 और 20,000 में जो फर्क है वो आपको फील होगा, या सामने वाला जब बिल्कुल देख रहा है या आपके हाथ बालों को टच कर रहा है तो उसे फील होगा। क्या होता है, 10,000 के लुक में भी हम स्टाइल बनाएंगे, फ्री स्टाइल है, कोई भी स्टाइल बन जाएगा, बट 10,000 के पैच के अंदर जो बालों की क्वालिटी होती है वो काफ़ी डाउन होती है एज़ कम्पेयर टू 20,000। सो उसके अंदर होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि अगर आपके जो नेचुरल हेयर्स है वो रूट से निकलते हैं, सो उसके अंदर प्रोटीन वगैरह आपकी रूट्स से मिलता रहता है आपके नेचुरल बालों को। सो होता क्या है, जब हम पैच के अंदर, हम आपके जो नेचुरल हेयर्स लोग जो डोनेट करते हैं उनको स्किन के अंदर से कोई चीज़ नहीं मिलती, सो इन बालों की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, इन बालों को केमिकल से प्रोसेस किया जाता है, इन बालों को स्मूथ किया जाता है, परमानेंटली स्मूथ किया जाता है, जिससे ये अगर हम 1-1.5 साल पैच को यूज़ करने वाले हैं तो वो उतना टाइम तक सॉफ्ट एंड सिल्की रहे। सो जो 10,000 वाले हमारा पैच होता है, 10-12,000 वाली रेंज होती है, उसके अंदर बाल हमारे नेचुरल होते हैं बट बालों की प्रोसेसिंग थोड़ी सी लो होती है। इस वजह से उस टाइप के पैचेस के अंदर जब आप ज़्यादातर देखेंगे तो हल्की बहुत रफनेस एंड टैंगल का प्रॉब्लम आता है। अब बहुत सारे लोग आप देखते होंगे या फीडबैक लेते होंगे तो बोलते हैं कि बाल थोड़े टाइम बाद रफ हो जाते हैं, तो उसका कारण यही होता है, क्वालिटी ऑफ पैच। तो जितना आप जैसे जैसे अच्छे में जाएंगे वो आपके बालों की क्वालिटी बेटर होती जाएगी, उसमें रफनेस एंड टैंगल नहीं आएगा, बालों के अंदर आप कॉम करेंगे, स्टाइलिंग इजली हो जाएगा। वही सेम चीज़ 10,000 के पैच में कम होगी बट लुक आ सकता है बिकॉज वो पैच भी फ्री स्टाइल है और 20,000 वाला पैच के अंदर फ्री स्टाइल है। अब मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम 10,000 वाला लगवा लें कि हमें नेचुरल लुक मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, बट आप ये मान के चलिए कि अगर आप थोड़ा बहुत बजट उसके अंदर इंक्रीज़ करते हैं, आप 10,000 से 15,000 तक भी जाते हैं, तो उसके अंदर बालों की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल रहती है। सेकेंडली क्या होता है, जो 10-12,000 की रेंज के अंदर पैचेज होते हैं वो हमारे डबल नोटिंग पैचेज होते हैं। अब डबल नोटिंग क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पैच है। होता क्या है, इस पैच के अंदर जो ये नेट होता है इसके अंदर बाल नोटेड होते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे प्रीमियम पैचेस होते हैं उसके अंदर एक एक सिंगल हेयर नोटेड होता है, और जो हमारे कम रेंज के पैचेस होते हैं जैसे कि 10-12,000 में फ्री स्टाइल पैचेस, उसके अंदर जो नोटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, 2 बाल 3 बाल 4 बाल हम पोर करते हैं। उस वजह से जनरली क्या होता है कि जो हमारे 10-12,000 वाले रेंज वाले पैचेज होते हैं उसके अंदर डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो अगर मैं बात करूं, जो पर्सन थोड़ी सी हैवी डेंसिटी चाहता है या फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहता है कि मैं पहले एक बार पैच लगवाऊं, मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, उसके बाद में अपग्रेड कर लूंगा, तो वो 10-12,000 की रेंज में जा सकता है। बाकी 10-12 तक अगर आप जा रहे हैं तो मैं कहूंगा, हल्का सा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा आप जाइए 14-15-16,000 की रेंज में, आपको प्रोसेसिंग ऑफ हेयर्स काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो उसमें भी रफनेस एंड टैंगल की प्रॉब्लम नहीं आती। सेकेंड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग, सेकेंड नोटिंग, थर्ड क्या होता है, बेस क्वालिटी। तो जो 10-12,000 वाला पैच होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो बॉर्डर होता है ना, ये थोड़ा सा थिक होता है, या जो इसका नेट होता है ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मूथ नहीं होता, आप ये कह सकते हैं। रीज़न क्या होता है स्मूथ ना होने का, नोटिंग, क्योंकि इसके अंदर 2 बाल 3 बाल नोटेड होते हैं। सो आप ये मान के चलिए कि 10-12,000 के अंदर आपको लुक वाइज जो फाइनल लुक आएगा उसमें आपको नेचुरल लुक मिल जाएगा, बट बालों की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, थोड़ी सी प्रोसेसिंग ऑफ हेयर्स, थोड़ी सी आपकी नोटिंग जो है उस वजह से थोड़ा सा पैच हैवी हो जाएगा डेंसिटी वाइज, थर्ड आपका बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। सो अगर आपके मन में ये है कि मुझे पहली बार पैच लगवाना है और मैं सिर्फ
लगवा के देखना चाहता हूँ या लुक देखना चाहता हूँ, तो आपको 10-12 हज़ार में भी एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी जैसे जैसे आप बेटर क्वालिटी में जाएंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, ये चीज़ जो आप लगा रहे हैं या आप अपने बालों पे लगा रहे हैं, अपने पर्सनैलिटी के लिए लगवा रहे हैं, इसमें 2-4 हज़ार के लिए कभी भी कंजूसी मत करिए, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं आपके बालों की स्मूथनेस, लुक, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। सो फर्स्ट टाइम यूज़र अगर चाहता है और कम बजट है उसका, तो वो जा सकता है, लुक मिल जाएगा। मैंने अभी भी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लुक पे फर्क नहीं आता है ज्यादा, थोड़ा बहुत फर्क आता है, बट ज्यादा फर्क नहीं आता है कि 10,000 का मैं लगा रहा हूं और 20,000 का लगा रहा हूं तो दिखने में जमीन आसमान का फर्क आएगा। थोड़ा बहुत बालों का रहेगा जो कि आपको फील होगा। तो ये चीजें हैं हमारी, अगर मैं बात करूं पैचेस से रिलेटेड, तो 10-12 हज़ार में आपको नेचुरल लुक इजिली मिल जाएगा। बाकी एक मैंने वीडियो इसके अंदर बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में पूरा डिटेल के अंदर क्या फ़र्क है। तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां जाके उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे यहाँ पे आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे डेमो दिया जाता है। सो जब आप आएंगे, आपके जो ओरिजिनल बाल हैं इनके अकॉर्डिंगली हम एक डेमो पैच आपको एक आइडिया दे देंगे कि किस तरीके से आपको लगेगा, एंड डेमो का कोई चार्ज नहीं है। सेकेंडली, हम हमेशा पेमेंट काम कराने के बाद लेते हैं, तो आप आइए, पूरी कटिंग कराइए, अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन करिए, उसके बाद ही पेमेंट करिए, आपकी सेटिस्फेक्शन के बाद ही हम आपसे पेमेंट लेंगे। थर्ड, 10,000 के पैच में आप क्लिपिंग, टेपिंग, ग्लू किसी में भी जा सकते हैं। 10,000 से अगर आप नीचे वाले पैच के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लिपिंग ऑप्शन अवेलेबल होता है, बिकॉज 10,000 से कम वाले पैचेस के अंदर एयर का फ्लो थोड़ा सा कम होता है। करने को हम उससे कम वाले पैचेस को भी फिक्स कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है कल को आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो फ्री स्टाइल पैचेस 10,000 से शुरू है। अब बहुत सारी शॉप में हो सकता है 10,000 की स्टार्टिंग हो, मुझे नहीं पता कि वो 10,000 में क्या दे रहे हैं। मेरे यहाँ पे अगर आप आएंगे तो 10-12 हज़ार में आपको नेचुरल लुक दे के हम भेजेंगे और पैसे आपसे काम कराने के बाद लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से इस चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर्स कराइए, आप लोगों के लिए गिव अवे आ रहा है। सो इस चैनल को जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट कर दीजिए, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या स्क्रीन पे भी कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।